वैष्णो ने मुझे एक बार बोला था कि तुम ना रोमांस अच्छा नहीं कर पाते हो। मैंने कहा वाओ, मैंने कहा तुम्हारे रोमांटिक सीन्स इतने ज्यादा इम्प्रूव हो गए। जब पहली बार हमने ये गाना सुना और इसकी जो टैगलाइन है तू हंसदी रिया कर एंड यू नो इसकी जो पूरी लिरिक्स है गाने की, इट वॉज वेरी सिंपल स्वीट एंड ऑन पॉइंट एंड एकदम सूदिंग गाना लगा। और हमारे फैंस की बहुत बड़ी डिमांड थी कि हम अभिनवी सॉन्ग लेके आएँ, तो हमारे लिए भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात थी कि हम जो भी लेके आएँ एज अ कॉन्टेंट जिसमें हम दोनों हों, दैट शुड बी वेरी यू नो वेरी क्लीन, दैट शुड बी वेरी यू नो सूदिंग एंड यू नो सुनने में भी अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो। और एक जिम्मेदारी ये थी कि हम उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो आई थिंक इसी चीज़ के को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा गाना शूट किया, सारा कंटेंट प्लान किया और फटाफट शूट करके हमने रिलीज़ किया, थोड़ा देर कर दी। अच्छा, जिस तरह से कहा कि अभी तक वैष्णवी ने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में आपको हेल्प की थी, डायरेक्शन में हेल्प की थी, इस बार वो खुद भी थे फ्रेम में, तो इस बार किस तरह से मैनेजमेंट हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही शूट कर रहे थे। हाँ, एक्चुअली जब हमने बॉन ब्रॉस रिकॉर्ड्स का पहला गाना शूट किया था अटैचमेंट, तो उसमें मैंने और वैष्णवी ने मिलकर डायरेक्ट किया था एंड शी इज़ बिन अ वेरी ग्रेट हेल्पिंग हैंड फॉर मी। और फिर आगे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हुए थे उसमें हम और वैष्णवी और मेरे जितने दोस्त हैं सब मिलकर हमने काम किया था। दिस वन वॉज द प्रोजेक्ट जिसमें मैं भी स्क्रीन पर था, ये भी स्क्रीन पर थी, और हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि हम दोनों साइड्स को कैसे मैनेज करेंगे, और इसलिए हमारे साथ बट हमारे साथ बहुत अच्छे पार्टनर्स भी जुड़ गए, तो सब कुछ कर रहा है, you know, with the story and with the costumes, like everybody was involved in everything and that was the best part. When you work, जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी हो, बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सामने वाला पहले कर देता है। सो दैट वॉज अ वेरी बिग एडवांटेज विद द एंटायर टीम ऑफ हस्ती। मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हमें मतलब इतनी अच्छी टीम मिल गई फ्रॉम द विश्वादित प्रोडक्शंस एंड यू नो द कोरियोग्राफर्स प्रुता धनराज जो हमारे DOP थे, एवरीबडी वॉज सो टैलेंटेड एंड यू नो सबने इतना हेल्प किया हमें और इस चीज़ को हमारे लिए बहुत आसान बना दिया। और हमने एक दिन में ही पूरा गाना शूट कर लिया और हम लोग फटाक से मैं वापस अपनी शूट पर चला गया, तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी फन शूट ऑल्सो और काफ़ी मज़ा आया सेट पे शूट करते हुए। ओके, एक चीज़ जो आप बताना चाहें, जिस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस दिखाया आप दोनों का, वो मुझे लगता है फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं होगा, तो पर्सनली जब आप लोगों ने शूट किया तो आप लोगों के लिए कितना खास था? एक्चुअली अकबर में जब मेरा पहला शो था तब उसमें वैष्णवी मेरे साथ थी, तब वैष्णवी ने मुझे एक बार बोला था कि ना रोमांस अच्छा नहीं कर पाते हो, यू नो गुड, बट अभी अगर हीरो में देखो ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैं एक्चुअली पहली चीज मैंने भी देखो वही मैंने कॉल करके बोला, मैंने कहा वाओ, मैंने कहा तुम्हारे रोमांटिक सीन्स इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए, एंड हस्दी वाज इजी बिकॉज हम लोग हंसते रहते थे, वी यूज्ड टू लाफ ऑल द टाइम, सो आई थिंक नेचुरली द लाफिंग बिट्स एंड यू नो द नेचुरल बिट्स केम वेरी इजी टू अस।